हमारा बन गया भटके डुबके, और ये ब्रेकफास्ट में बन गया है पोहा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? होप अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, मगर ब्लॉग देखते रहेंगे। बिल्कुल। तो आज आप देख रहे होंगे हम कैसे आपके साथ ब्लॉगिंग कर रहे हैं। दूर दूर बैठे तो मैं यहाँ बैठी हूँ और योगेश वहाँ बैठे हैं और सुबह से हम काम पे लगे हुए थे, तो आज सुबह का आपको रूटीन दिखाती हूँ। तो चलो, हैं योगेश, सुबह से रूटीन दिखाते हैं। आज का रूटीन उल्टा फ्लैशबैक चलते हैं। उल्टा फ्लैशबैक करेक्ट। बनाएंगे भटके डुबके। तो मैंने भट रात को भिगोने रख दिए थे और उसमें 1-2 चम्मच चावल। तो अब मैं इसको मिक्सर में पीसूँगी। हमने तैयारी की है भटके डुबकों की, भिगो दिए थे, पीस दिए, सब कुछ कर दिया। अब तेल डाला है कढ़ाई में, उसमें हींग, जखिया, प्याज, हरी मिर्च और वही लहसुन अदरक। तो इसको सौते करेंगे। इसमें हमने टमाटर नहीं डालना, आज बन रहे हैं हमारे भटके डुबके। तो चलिए बनाते हैं, फिर कैसे बनते हैं फिर योगेश बताएगा टेस्ट करके। किचन ठंडा पड़ा है, योगेश आ गया है कि मैं करूँगा योगेश शेफ बन चुके हैं, अच्छे शेफ, और भटके डुबकों की तैयारी चल रही है। तो इन्होंने सौते करना शुरू कर दिया। अब योगेश इसमें ना हल्का नमक, मिर्ची, हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला, ये सब डालो। क्या डाला? हल्दी बस, मिर्ची थोड़ी सी, क्योंकि हमें मिर्ची आजकल अच्छी नहीं लग रही। हरा धनिया सूखा, सूखा धनिया सारा डालो, थोड़ा सा गरम मसाला, वहाँ हाँ, और 1 चम्मच नमक। अब इसको करो सौते। रुको 2 मिनट दो, जब तुमने बोल दिया है कि मैं शेफ बन गया हूँ तो फिर मेरे हिसाब से चलो, मेरे को थोड़ा सा टाइम दो, फिर मैं इसको जैसे तुम कहोगे वैसे डालता जाऊँगा। तो अब डालते हैं इसमें भटके डुबके, जो दाल वो मैंने भिगो के और वो करके रखी हुई थी, ये मैंने पीस के रखी है चावल के साथ। इसमें चावल भी डाला है जोगी। अच्छा, तो ये मेरे को पता नहीं था। हाँ, तुमने बताया। हाँ, तुमने बताया तो अच्छा लगा। आप थे ना ऊपर उस टाइम वहाँ पर लेबर्स के साथ, मैंने तब तक ये काम कर दिया। मैं ला जब तक होता है तब तक कर लेते हैं शुरू। इसमें पानी डालो क्योंकि अभी बहुत पानी चाहिए इसे। इसे तकरीबन 1.5 घंटा लगेगा दाल पकने में। डाल दो सारा पानी। गंदा है ना क्या? अच्छा, डालो सारा पानी। अब दाल को अच्छी तरह हिलाओ, नहीं तो गिट्टे बन जाएंगे इसमें। हाँ, ऐसे लगे भटके टुकके बन रहे हैं इसके। मैं आज धनिया लाऊंगी बाहर से, हरा धनिया तोड़ के, ठीक है? हाँ, वो बना भी पड़ा है। हाँ, तैयार पड़ा है वो कटने के लिए। हाँ, मैंने वो सबको काटा ना, अब अच्छा हो रहा है और बढ़ रहा है। योगेश इसमें ना थोड़ा और पानी डालो, ठीक है? अच्छा ठीक है, डालता हूँ। अभी बहुत थिक है, अभी उबल उबल के ये और अच्छी हो जाएगी। अभी जैसे आप देख रहे होंगे पानी अलग है, दाल अलग, पर बनेगी बहुत लाजवाब। जैसे उस दिन बनाए थे ना हमने भटका चौंसा, आज बनाया है हमने भटके डुबके। चलो दोस्तों, कैसा टेस्ट आता है ये आपको खाते वक्त बताएंगे। हाँ। पहले बना ले, फिर मिलते हैं, बनाते हैं फिर मिलते हैं, क्योंकि आज ब्रेकफास्ट भी हमारा डिसाइड हो गया है। हम ब्रेकफास्ट में पोहा खाएंगे। टाइम है ही नहीं हमारे पास, अभी ऊपर लेबर के साथ बैठना है, ऊपर जाना है, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अभी यहाँ आ जाएंगे मिस्त्री, लकड़ी के काम वाले, तो बस जल्दी जल्दी हम कर रहे हैं काम, कि फटाफट काम खत्म हो बस।
मैं तब तक चावल भी भिगो देती हूँ केश, ठीक है? हाँ, भिगो, ये उबलने देते हैं। हाँ, इसे उबलने दो। ये हमारा बन गया भटके डुबके, और ये ब्रेकफास्ट में बन गया है पोहा। योगेश को पसंद है भुजिया, इसके ऊपर डल जाए भुजिया पोहे के ऊपर, और साथ में चीनी, योगेश की फेवरेट। तो हमारे तैयार हो गया है भटके टुबके, और चलिए अब खाना खाते हैं भात के साथ, यानी कि चावल। रुको, खाना लगा दे। बस तैयारी हो गई है मेरे खाने की, भटके टुबके और साथ में चावल, चावल और प्याज। तो शुरू करो, अभी खा के फिर मिलते हैं आपको। हम खा रहे हैं चावल और भटकी दाल के डुबके, बहुत टेस्टी बनाया है रोमा, बहुत अच्छा बनाया है। ये काफी बीमारियों में काम आती है। सबसे पहले इम्यूनिटी बढ़ाती है, फिर ये अगर इसकी दाल का सूप जो है ना, वो बहुत काम आता है। और भटकी दाल जो है, अगर इसको हम जैसे हमने भटका चौसा बनाया था, ऐसे ही भटकी दाल का डुबका जो है, ये अगर डिफरेंट स्टाइल का डिफरेंट टेस्ट का बनता है। इसको हमने रोमा ने इसको ना बहुत डिफरेंट टेस्ट में बना दिया है, और बहुत अच्छा लग रहा है, इतना स्वाद लग रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो इसका मतलब अच्छा लगा। इसके हम कोफ्ते अच्छा पैक के भी बना सकते हैं, पता है? डुबके यानी दाल में ये बना दिए, चावल के मिक्स करके, अगर इन्हें छोटे छोटे पकौड़े टाइप के डालें बहुत अच्छा लगेगा। शुरू से एक ही चल रहा है, वो भी एक नई रेसिपी और नई डिश हो जाएगी। कभी बनाऊंगी, अब मैं भात बनाऊंगी। गैस की दाल, गैस की दाल मजा आ गया। और जीरा राइस बनाया ना, आपको पसंद है, मैं अच्छा लगेगा। क्या होता है, अगर खाना सभी खाते हैं, और वही खाना अगर स्वाद मिल जाए ना, तो उसका मजा ही कुछ और है। जैसा कि आज हम भटकी दाल के डुबके, तो बहुत टेस्टी लग रहा है। और सच बोलूं, सच बताऊं, मैंने ये फर्स्ट टाइम बनाया है। लो बताओ। खाना खाने फिर मिलते। खाना खाने के बाद हम ऊपर चले गए थोड़ा देखने कि क्या क्या कंस्ट्रक्शन में, क्या क्या डेवलपमेंट में, क्या क्या हो रहा है ऊपर घर का। तो पहले देखते हैं ऊपर का काम, फिर आपको भी दिखाते हैं। तो कमरे की, ये वाले कमरे की पूरी प्लास्टरिंग सारा कंप्लीट हो चुका है। 3 दिन लग गए इसे प्लास्टरिंग कंप्लीट होते होते। ये सारा कंस्ट्रक्शन इस कमरे का कंप्लीट, रेता नीचे से आ चुका है। अब ये बाथरूम पे लगा है, बाथरूम का भी आज हो जाएगा। फॉल सीलिंग भी लग गई बाथरूम पे, वेरी गुड। फॉल सीलिंग भी कंप्लीट हो रही है, एक एक करके पूरा कमरा कंप्लीट कर रहे हैं। और ये किचन वाला एरिया, कॉमन एरिया भी फॉल सीलिंग शुरू हो गई है, आधी से थोड़ी कम हुई है। और ये हो गया सेकंड बेडरूम, यहाँ भी पूरा कंप्लीट हो गया। बाथरूम वाली फॉल सीलिंग भी कंप्लीट हो गई, बस यहाँ कल से शुरू होगा प्लास्टरिंग का काम।
तो ये पूरा प्लास्टरिंग कल से शुरू होगा, यहाँ सफाई होगी, फिर यहाँ गंदगी मचेगी प्लास्टरिंग से। और योगेश नीचे लगे हैं सारा सामान सेट करवा रहे लेबर से। योगेश आप ऊपर आओगे? आओगे? मैंने ऊपर की पूरा दिखा दिया कंस्ट्रक्शन क्या क्या हो गया कंप्लीट। खाद के पास है वो रॉड। अरे मत फेंक ऐसे। तो एक ही पड़ी थी, मैंने बोला फेंक देती हूँ। नहीं खत्म हो गई, वो सारा लेकर आ गई। क्या हुआ? अबे यार कंस्ट्रक्शन बहुत हो गई यार, थोड़ा पेट्रोल वेट्रोल भी देगी तो शरीर चलेगा। अच्छा मतलब इंजन में आपके पेट पुर्जों पे जंग लग रहा है, पेट्रोल डाल ले। चलो नीचे आती हूँ पेट्रोल बनाती हूँ, ठीक है। तो मैं नीचे आ गई और योगेश की स्पेशल डिमांड पे चाय बनाने, तो मैं फिर चाय बनाती हूँ, फिर मिलते हैं हम लोग अगेन चाय पे चर्चा योगेश के साथ। थैंक यू फॉर पेट्रोल, इंजन को बहुत जरूरत थी। हम दोनों के इंजन को बहुत जरूरत थी। मुझे ठंड लगने लगी थी तो मैंने कैप भी पहन ली। हाँ एकदम मौसम चेंज हुआ, रात बहुत बारिश थी। यहाँ रात को इतनी बारिश थी मैं आपको बता नहीं सकता। जो हमने अपडेट में डाली दिए थे। चलो योगेश चाय खत्म करो फिर, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर भी आने वाले हैं। हाँ फिर उनके साथ भी बैठना है चाय पीने। बिल्कुल, तो फिर मिलते हैं। बिल्कुल मिलते हैं, वो चले जाएंगे फिर ब्लॉक एंड करते हैं। फिर ब्लॉक एंड इसी जगह बैठ के करेंगे, यहीं बैठ के करेंगे। ठीक है तुम्हारी, तुम वो कहते हैं सारी बातें ठीक है, पंचों का फैसला सरमत्ते पे, बट परनाला तो यहीं बहेगा। राजस्थान से राजपाल जी दोबारा आ गए। नमस्कार जी। हमारे प्यार ने इन्हें फिर बुला लिया। हाँ। और इस बार फिर सीट्स लेकर आए और फिर सीट्स लेके आए हैं पंजाब यूनिवर्सिटी से। हाँ। और साथ में दीपक जी आए हैं जयपुर से जी, जी। और ये भी हमारे सब्सक्राइबर ही हैं और हम इनका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं कि इतना प्यार है ये हमें दिखाते हैं। धन्यवाद भाई साहब, आप लोग बहुत मेहनत करते हैं और आप कामयाब हों और शुभकामनाएं हमारी तरफ से आपके लिए। थैंक यू। आप यहाँ पे रहते हैं तो हमें वो ऐसा लगता है कि आप यहाँ रह रहे हैं, इस लाइफ को जी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। बहुत मेहनत करते हैं जी आप, इतना बड़ा मकान बनाया आपने, बहुत मेहनत की है जी आप। बहुत बहुत धन्यवाद सर, भगवान आशीर्वाद रखे आपके ऊपर, बनाए रखे जी, आप खुश रहे हमेशा। थैंक यू। जो राजस्थान से आए थे उनसे आपको हमने मिलवाई दिया था और वो लोग हमारे लिए ये छोलिया लेकर आए हैं अपने खेत की। अपने खेत का छोलिया। हाँ और योगेश को तो इतना पसंद करते हैं, वो बोलते हैं योगेश जी हम आपके लिए लेकर आए, बहन जी हम आपके लिए लेकर आए, हमें सीड्स भी दिए काफी। प्यार है हमारे साथ। अब वो प्यार क्या खींच के लाता है, हम उन्हें कुछ दे तो रहे नहीं। हाँ है? सिर्फ एक वीडियोस में दिखा देते हैं कि हम लोगों की जिंदगी क्या है और बाकी वो हमारे बारे में कैसा सोचते हैं, क्या सोचते हैं, ये उनके ऊपर। और योगेश ये बातें कर रहे हैं और जो ही देखो, ये देखिए, ये देखिए इसकी मस्ती चल रही है, ये बातें कर रहा है आपसे कि मेरे को भी देख लो, कोई कोई मुझे भी तो देखो, मैं भी क्यूट क्यूट बच्चा हूँ। तो दोस्तों सब्सक्राइबर्स चले गए हमारे लिए, वो राजस्थान से बकायदा पंजाब गए, पंजाब से इतने प्यार से बीज बीज लाए। हाँ। और रोमा ने उनको एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करके और फिर उनको धन्यवाद दिया और वो लोग चले गए चाय वाय पी के। अब हम लोग फ्री हो गए। हाँ। वो राजस्थान से अपने खेत का छोलिया लाए थे जिसको हमारी डेरा वाली लैंग्वेज में कहते हैं डड्डे। हाँ। आप लोगों का इतना प्यार इतना स्नेह, हम मतलब रियली दिल बहुत पसीज जाता है, मगर इतना प्यार इतना स्नेह आप लोगों का हमारे को खींच लाता है वीडियो बनाने के लिए। हाँ। अगर आपको ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं, ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल योगेश भाटिया।